Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Now today I am sending you video on apostrophe. It means ki it shows the thing belongs to whom. ठीक है, suppose this is my log. ठीक है, so अब मुझे बताना है ये मेरा है, तो Ruby's log. ठीक है, my phone, Ruby's phone. ठीक है, रीटास पेंसिल, रीटा की पेंसिल. ठीक है, तो रीटा हम कॉमा लगाएंगे ऊपर और एस लिख देंगे. सो ऊपर कॉमा लगा के एस लिखने से मतलब हो जाता है कि रीटा की. ठीक है, वरुण हैज अ येलो कार, तो वरुण्स कार. ठीक है, रीटा हैज लॉन्ग हेयर, तो रीटास हेयर इज लॉन्ग. नाउ दिस बुक इज of my sister, तो my sister's book. okay, in this way comma लगा के s लगाने को हम बोलते हैं apostrophe, और उससे हमें मालूम पड़ जाता है ये चीज किसकी है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग now we are solving exercises of page number 85. pet owned by पायल, pet किसका है, पायल का, तो हम क्या लिखेंगे, पायल's pet. फ्रॉक ऑफ राशि, तो हम क्या लिखेंगे, राशीज फ्रॉक. स्कूटर ऑफ तिलक, तो तिलक स्कूटर. सरला का लॉकेट, तो हम क्या लिखेंगे, सरलास लॉकेट. हट ऑफ फार्मर, तो हम क्या बोलेंगे, फार्मर्स हट. ठीक है, सो इन दिस वे वी शो द पोजेशन कि दिस थिंग्स बिलोंग्स टू होम. नाउ पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर बी, आपको इसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके अपोस्ट्रॉफी लगा के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. माय फादर्स फ्रेंड बॉट मी टू बार्स ऑफ चॉकलेट, किसका फ्रेंड, फादर्स मतलब फादर का. द सन्स रेज शोन ऑन ऑर्चर्ड, द चिल्ड्रंस बैग्स, बैग्स किसके, चिल्ड्रन के. ऐसा आप माइंड में सोचोगे तो आपको आ जाएगा. दैट डॉग्स टेल, किसकी टेल, डॉग की. आई बोरोड सक्षम्स नोटबुक, मतलब सक्षम की. तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सक्षम की, तो सक्षम लिखो, कॉमा लगाओ ऊपर और एस लिख दो, उसको सक्षम्स पढ़ोगे तो इसका मतलब है सक्षम की. द पेजेस ऑफ द बुक वेर टॉर्न बाय सैम्स ब्रदर, किसका ब्रदर, सैम. यूसुफ वेंट टू सी हिज फेवरेट एक्टर्स मूवी, एक्टर की. कविताज ड्रेस वॉज वेरी प्रीटी. ठीक है, नाउ अब इसमें दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, हम आई और ए एम लिखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम हम आई के ऊपर कॉमा लगा के एम लिख देते हैं, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. तो ऐसे ही पेज 86 पर दो येलो बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट दी है, वो आपको लर्न करना है. आपको ये लिस्ट लर्न हो गई तो आपको सेंटेंस में भी यूज़ करना आ जाएगा. अब पेज 87 में क्वेश्चन नंबर सी में आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, उसका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है. शी इज़, तो हमने शी इज़ को क्या कर दिया, शी के बाद कॉमा लगा के एस लिख दिया, तो वो क्या, शी इज, दे विल, आई एम. जब तक आप ये लिस्ट याद करोगे तो ही आपको ये शॉर्ट फॉर्म करना आएगा. फिर आई विल सेंड यू पिक्स, तो उसको देख के आप बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना. यू आर, तो हम उसको अंडरलाइन वर्ड को आपको शॉर्ट में लिखना है. यू विल, यू आर, आई विल, इट इज ना, तो इनके शॉर्ट फॉर्म आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर सेंटेंस में लिखना आ जाएगा. ठीक है, तो ये आप पिक्चर के थ्रू अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लेना. सो इन दिस वे इट इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी इजी टॉपिक ऑफ द ग्रामर. आई विल रीड सेंटेंसेस वंस अगेन सो दैट यू कैन कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेस. नंबर वन, शबिता इज नॉट वेल, शी इज फीलिंग वेरी कोल्ड. सेकेंड, दे विल टेक हर टू द डॉक्टर. थर्ड, आई एम ऑल्सो लिविंग फॉर द हॉस्पिटल. फोर्थ, इट इज रेनिंग हैवीली.
I will have to take a taxi. You can come with me if you are not busy. You will have to decide fast. ठीक है, सो आपको बस शॉर्ट फॉर्म लर्न करना है और जो अंडरलाइन वर्ड रहेगा उसका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आपका अपोस्ट्रॉफी और लेसन 21 आई विल सेंड यू वीडियो ऑन लेसन 21 ऑल्सो दैट यू विल लर्न फॉर फन. ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए रहेगा. ठीक है, टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय.